बस यही डर लगता रहता है ना। तो क्या तुम ये सब बंद करोगे? क्या मुझे छोड़ दोगे? ना कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। क्या बात है सर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। रिव्यू में जो आपने सैड वीडियो देखा है, इस तरीके का सैड वीडियो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी टेम्पलेट, प्रीसेट या XML नहीं मिलेगा। वीडियो को आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा आपको मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, और आपको बहुत ही ईजी मेथड में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ताकि आप इजीली क्रिएट कर सको, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपके पास दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, एक है कैपकार्ट, एक है VPN। VPN आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, VPN इंस्टॉल कर लेना, कनेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास कैपकार्ट ऐप नहीं है, प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल पर आपको ऊपर पिन किया हुआ कैपकार्ट ऐप मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो VPN आपने इंस्टॉल किया ना, VPN को आपको कनेक्ट करना है, उसके बाद कैपकार्ट ऐप को ओपन करना है, ठीक है। VPN आप सिक्योर VPN यूज करना, वो काफी अच्छा है, आप इजीली मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सिक्योर VPN को आपको कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद कैपकार्ट ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो सेक्शन पे आना है। वीडियो सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि लिरिक्स वीडियो होगा और सॉन्ग भी मिलेगा, उन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। वीडियो हमने ऐड कर लिया, उसके बाद फोटो सेक्शन पे जाना है, आपको यहाँ पे चार फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चार फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड फाइव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक वीडियो हो गया और चार फोटो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा, नहीं तो रेशियो का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल से टैप करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इमेज है, इमेज को आपको टू फिंगर से फिल स्किन कर लेना है, सभी इमेज को टू फिंगर से फिल स्किन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, और उसके बाद एंडिंग वाले पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो आपको म्यूट दिखाई दे रहा है, म्यूट पे टैप कर देना है, ताकि इस वीडियो का ऑडियो म्यूट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने जो चार इमेज ऐड किया, चार इमेज का ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 2 सेकंड रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चारों इमेज का ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 2 सेकंड रखना है, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और ये जो बीट आप सुन रहे हो, बीट परफेक्ट मैच नहीं होगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से अंदाजा करके दे दिया, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस सॉन्ग का जो बीट है, बीट के साथ अच्छे से ये मैच नहीं हो रहा था, मैंने ट्राई किया, मैच नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैंने दिया है, जैसा दिया है, आप वैसा क्लिक करो, आपका स्टेटस अच्छा बनेगा। उसके बाद ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, साउंड्स पे जाना है। साउंड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, माई फाइल्स पे जाना है, ठीक है। फाइल्स पे जाने के बाद फ्रॉम डिवाइस पे जाना है, और जो सॉन्ग है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, सॉन्ग भी दे दूंगा, लिरिक्स वीडियो भी दे दूंगा, दोनों एक साथ में दे दूंगा, ऑल मेटल में शायद मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वीडियो है हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, इसका इतना कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, बस हमें इमेज पे इफेक्ट ऐड करना है। कौन सा इफेक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इमेज पे टैप करना है, नीचे एनिमेशन दिखाई दे रहा है, एनिमेशन पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, इन आउट कॉम्बो, सिंपल से आपको कॉम्बो पे टैप करना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्लाइड है, इस फर्स्ट इफेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट इमेज पे जाना है, एनिमेशन पे टैप करना है, कॉम्बो पे जाना है, जो सेकंड दिखाई दे रहा है वेव, इसको सिलेक्ट करना है, वेव एंड स्लाइड इसको सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है। थर्ड इमेज पे टैप करना है, एनिमेशन पे जाना है, कॉम्बो पे जाना है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है श्रिंक, आपको श्रिंक पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट इमेज पे टैप करना है, एनिमेशन पे जाना है, कॉम्बो पे जाना है, और आपको यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका मन है आप कर सकते हो, जैसा मैंने किया है वैसा आपको करने का मन इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये जो इफेक्ट है, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 इफेक्ट में से आप कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हो, आपका वीडियो
बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट पे टैप कर देना है, उसके बाद ऊपर आपको एरो दिखाई देना, एरो पे टैप करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग आजकल कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो एक कमेंट कर दिया करो। जो भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज एक कमेंट कर दो, आपका ओपिनियन रखो कैसा लग रहा है वीडियो और किस तरीके का वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। वीडियो खराब लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।